पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर में आप अपनी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल कैसे परचेज कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप रॉ मटेरियल कंज्यूम किस तरह कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री किस तरह मैनेज कर सकते हैं। देखिए स्टोर में आप आ गए, यहाँ पे आ रहा है रेसिपी मटेरियल्स, ठीक है। आप हर आइटम की रेसिपी बना देंगे, जैसे आपने बता दिया जिंगर बर्गर, ठीक है। अब जिंगर बर्गर एक बनाने के लिए आपको क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास इस वक्त पोटैटो है, ठीक है, मैंने बता दिया पोटैटो 1 kg लग रहा है, ये एक अनम्पशन है, ठीक है। आप इसमें जो इंग्रेडिएंट डालेंगे वही कंज्यूम होगा, ठीक है। ये मैं एक डेमो बता रहा हूँ आपको। 1 kg पोटैटो लग गया, अब बन है मेरे पास, बन मेरे पास एक बन मेरा कंज्यूम हो गया, ठीक है। इसके साथ हमने स्टॉक में लिया हुआ था, जिस पहले मैं देख लेता हूँ स्टॉक में क्या क्या चीज़ें हमने ली थी ताकि फिर वो हम कंज्यूम करें। अच्छा, बन था और ऑनियन था, ठीक है। अब ऑनियन मैंने डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल ऑनियन लग रहा है हमारा 1 kg। अब आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि सॉफ्टवेयर एक जिंगर बर्गर की कॉस्ट आ रही है हमें 34 rupees, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई लेबर कॉस्ट अगर आपकी समझ लें 2 rupees लेबर कॉस्ट आ रही है या फैक्ट्री के 1 rupee चार्जेस आ रहे हैं, तो टोटल आप बता सकते हैं भाई 37 rupees की हमारी एक बर्गर की कॉस्ट है। अब डेली आप जो है वो 100 burger सेल करते हैं, तो डे एंड पे आपको एक एंट्री करनी है। डेली प्रोडक्शन में आप आ गए, यहाँ पे आपने बता दिया जिंगर बर्गर और आपने बता दिया 50 जिंगर बर्गर सेल हो गए, और आप इम्पोर्ट कंपोनेंट्स करेंगे तो जैसे ही इम्पोर्ट किया तो उस हिसाब से आपको बता दिया 50 kg हमारा पोटैटो आउट हो गया, बन हमारे 50 आउट हो गए और 50 हमारा ऑनियन आउट हो गया। टोटल हमारी जो है वो जिंगर बर्गर 50 बनने की ये कॉस्ट आई 1850 रुपये। तो ये एक अजम्पशन डाली हुई है, डमी डाला है, बाकी आप इसमें ग्रामेज में डालेंगे धरती पर तो बिल्कुल कैलकुलेशन एक्यूरेट आएगी। उसको सेव कर दिया मैंने। अब हम आते हैं इन्वेंट्री बैलेंसेज में। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मेरे पास रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं 100 हमारे पास बन थे, 50 आउट हो गए, 50 रह गए। पोटैटो 200 kg था, 50 आउट हो गया, 150 रह गया। ऑनियन हमारे पास 300 kg था, 50 आउट हो गया, 250। इस तरह आपकी सारी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।